हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम। इस क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम के पार्ट वन के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है दैट हाउ दिस होल एड्रेस स्पेस ऑफ 2:32 डिफरेंट आईपी एड्रेसेस इज डिवाइडेड इनटू फाइव डिफरेंट क्लासेस, क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। और इस क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग स्कीम को और डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम नेट आईडी और होस्ट आईडी, इन दो पोर्शन पे ध्यान देंगे। दोस्तों, ये नेट आईडी और होस्ट आईडी क्या है? दोस्तों, कोई भी आईपी एड्रेस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं नेट आईडी और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं होस्ट आईडी। नेट आईडी मतलब नेटवर्क आईडी। ये जो नेटवर्क आईडी होता है दैट इज कॉमन फॉर ऑल आईपी एड्रेसेस ऑफ द सिस्टम इन अ सिंगल नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क में जितनी भी सिस्टम है उनके जो आईपी एड्रेसेस है उनमें ये नेट आईडी पोर्शन कॉमन होगा। वेर एज होस्ट आईडी इज डिफरेंट फॉर ऑल आईपी एड्रेसेस ऑफ द सिस्टम इन अ सिंगल नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क में जितनी भी सिस्टम है उनके आईपी एड्रेसेस में होस्ट आईडी पोर्शन अलग अलग होगा। ठीक है, सो मैं आपको फिर से बता दूं कि एक नेटवर्क में मानो 50 सिस्टम है, 50 सिस्टम को आपने आईपी एड्रेसेस दिए, हर एक सिस्टम को एक आईपी एड्रेस दिया, तो उन 50 आईपी एड्रेसेस में नेट आईडी कॉमन होगा, वेर एज होस्ट आईडी पोर्शन सब में अलग अलग होगा। राइट, नाउ दिस नेट आईडी गेट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ योर आईपी एड्रेस, वेर एज होस्ट आईडी गेट्स लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ योर आईपी एड्रेस। तो आइए देखते हैं उसे एक डायग्राम से, और हमारे जो क्लासेस है ए, बी, सी, डी, ई, उसमें नेट आईडी और होस्ट आईडी कैसे डिवाइडेड है। तो दोस्तों, जैसे आप फिगर में देख सकते हो कि हमारा आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट का होता है। उनमें से क्लास ए में जो फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, जो फर्स्ट बाइट है, फर्स्ट 8 बिट्स है, दैट हैज बीन अलोकेटेड फॉर नेट आईडी, वेर एज रेस्ट ऑफ द बाइट्स आर अलोकेटेड फॉर होस्ट आईडी। तो इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि आपके नेटवर्क में आपने अगर क्लास ए के आईपी एड्रेसेस यूज किए हैं तो उन सभी आईपी एड्रेस में ये जो फर्स्ट बाइट है वो कॉमन होगा, वेर एज ये जो लास्ट 3 बाइट्स है वो चेंज होते होंगे। ये लास्ट 3 बाइट्स मिलाकर एक होस्ट आईडी बनता है। ठीक है, सिमिलरली फॉर क्लास बी, फर्स्ट 2 बाइट्स आर अलोकेटेड टू नेट आईडी एंड लास्ट 2 बाइट्स आर अलोकेटेड टू होस्ट आईडी। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपकी लैन में जितने भी सिस्टम है उनके आईपी एड्रेस आपने क्लास बी के दिए हैं तो उन सभी में ये नेट आईडी पोर्शन कॉमन रहेगा, वेर एज होस्ट आईडी पोर्शन उन सभी में अलग अलग होगा। सिमिलरली फॉर क्लास सी, फर्स्ट 3 बाइट्स आर अलोकेटेड टू नेट आईडी, वेर एज लास्ट बाइट इज अलोकेटेड टू होस्ट आईडी। तो अगर आपकी सिस्टम आपके नेटवर्क की सिस्टम को आपने क्लास सी के आईपी एड्रेसेस दिए हुए तो उनमें पहले 3 बाइट कॉमन होंगे और लास्ट बाइट अलग अलग होंगे। आपने ये आईपी एड्रेस काफी बार सुना होगा दोस्तों, 192.168.1.1। तो दोस्तों, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है और ये उसमें पहले 3 बाइट्स दैट इज 192, देन 168, देन 1, ये कॉमन रहते हैं। फिर यहां पर 1, 2, 3 ये अलग अलग आते हैं। यही चीज हम डिटेल में इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लास डी जो है दैट इज यूज फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस और इसे हम यूज नहीं करते हैं। स्पेसिफिकली हम तभी यूज करते हैं जब मल्टीकास्टिंग हमें करना हो। एंड क्लास ई इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। तो ये क्लास ई का भी हम यूज नहीं करते। क्लास ई मतलब हमारा पहला बाइट अगर 240 से लेकर के 255 तक का जो है वो हम यूज नहीं करते, ये फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व है। नाउ मास्क, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको कोई आईपी एड्रेस दिया हुआ है और उसके ऊपर से आपको नेटवर्क एड्रेस ढूंढना हो तो ये मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? इट इज यूज टू गेट नेटवर्क एड्रेस फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस एंड इट डिफाइंस हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन नेट आईडी पोर्शन। अब इस मास्क को भी हम दो डिफरेंट नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। एक तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन जो हमने देखी है वो है, और दूसरी है स्लैश एन नोटेशन। पहले समझते हैं ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन। दोस्तों, इसका पर्पज है कि हमारा जो नेट आईडी पोर्शन में है उसमें आप सारे 1 रख दो और होस्ट आईडी पोर्शन में सारे 0 रख दो तो आपको मिल जाएगी आपकी मास्क। अब मुझे क्लास ए की मास्क अगर निकालनी हो तो ये फिक्स है। क्लास ए में नेट आईडी के लिए हमने फर्स्ट बाइट अलोकेट किया है तो यहां पर मैं ऑल 1 रख दू
तो इन ऑल वन का डेसिमल क्या होगा? 255। यहां पर ऑल जीरो दैट इज जीरो, यहां पर ऑल जीरो दैट इज जीरो, यहां पर ऑल जीरो दैट इज जीरो, तो मेरी मास बन गई 255.0.0.0। सो क्लास ए की मास क्या है? 255.0.0.0। सिमिलरली फॉर क्लास बी इट विल बी 255.255.0.0। फॉर क्लास सी इट इज 255.255.255.0, राइट। और ये स्लैश एंड नोटेशन क्या है? ये स्लैश एंड नोटेशन दिखाती है कि हमारे नेट आईडी में एन बिट्स है, मतलब ये जो एड्रेस है उसमें नेट आईडी में एन बिट्स है। तो अगर हम क्लास ए को, क्लास ए की बात करें तो उसमें नेट आईडी में कितने बिट्स है? 8 बिट। क्लास बी में नेट आईडी में कितने बिट्स है? 16 बिट। क्लास सी में नेट आईडी में कितने बिट्स है? 24 बिट्स। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये /8/16/24, राइट। ये आप देख सकते हो यहां पर 255 मतलब कितने वन हुए? 8। 255 255 कितने वन हुए? 16। 255 255 255 कितने वन हुए? 24। सो दिस टू आर डिफरेंट नोटेशंस। जब हम क्लासफुल एड्रेसिंग की बात करते हैं तब हम ये नोटेशन यूज करते हैं, क्लासलेस में हम ये नोटेशन यूज करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। ओके दोस्तों, अब इसके ऊपर से हम पढ़ते हैं कि नेटवर्क एड्रेस कैसे ढूंढना और ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे ढूंढना। तो पहले समझते हैं कि दोस्तों नेटवर्क एड्रेस क्या होता है। अगर दोस्तों आपने मेरा पहला वीडियो देखा है कि जिसमें मैंने एनालॉजी बनाई थी पोस्टल मेल सिस्टम के साथ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे एक सोसाइटी होती है और सोसाइटी का भी एक कॉमन एड्रेस होता है, और फिर सोसाइटी के अलग अलग घर होते हैं उनका एड्रेस होता है। मान लो एक सोसाइटी है आसोपालव एवेन्यू, ठीक है, तो ये एक कॉमन नाम है। अब उस आसोपालव एवेन्यू में मानो 50 घर है, तो उन 50 घर का अलग अलग एड्रेस होगा। अगर लेट से वो अलग अलग ब्लॉक में डिवाइडेड है तो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी होगा, और फिर ब्लॉक ए के अंदर भी एक अलग एड्रेस होगा, लेट से 101, 102, 103, इन दैट वे। तो ये जो नेटवर्क एड्रेस है, आप ऐसा गिन लो कि आपकी सोसाइटी है जिसका कॉमन नाम है, और जो आईपी एड्रेस है वो आप गिन लो कि अलग अलग घर के एड्रेस है, ठीक है। सो नेटवर्क एड्रेस इज नथिंग बट द फर्स्ट एड्रेस इन द नेटवर्क। हमारे नेटवर्क में जितने भी आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है उसमें जो पहला एड्रेस है उसे हम बोलेंगे नेटवर्क एड्रेस, और जो लास्ट एड्रेस है उसे हम बोलेंगे ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब नेटवर्क एड्रेस में हमारा नेट आईडी स्पेसिफिक होता है, बट होस्ट आईडी में सारे जीरो होते हैं। कंपलसरी नेटवर्क एड्रेस में होस्ट आईडी पोर्शन में सारे जीरो होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई क्लास एक का नेटवर्क एड्रेस का आपको एग्जाम्पल दू तो बहुत ही सिंपल है, 73.0.0.0। तो आप देखो यहां पर नेट आईडी जो पोर्शन है, क्लास ए में नेट आईडी पोर्शन हमारा फर्स्ट बाइट होता है, तो नेट आईडी पोर्शन इज स्पेसिफिक, दैट इज लेट अस से 73, बट होस्ट आईडी पोर्शन में कंपलसरी जीरो होना चाहिए। तो ये बन गया मेरा नेटवर्क एड्रेस। मैं क्लास बी का किसी रेंडम नेटवर्क एड्रेस का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो क्लास बी में नेट आईडी में पहले 2 बाइट होते हैं, तो ये 2 बाइट आप स्पेसिफिक लिख लो। मैंने लिखा है पहले बाइट में 172, सेकेंड बाइट में 170, और होस्ट आईडी के जो लास्ट 2 बाइट्स होते हैं उसमें मैं 0 रख दूं, तो ये बन गया मेरा क्लास बी का एक एग्जाम्पल नेटवर्क एड्रेस का। सिमिलरली क्लास सी में पहले 3 बाइट नेट आईडी के होते हैं, तो वो स्पेसिफिक होंगे, लेट से 192.168.1, और लास्ट बाइट होस्ट आईडी का होता है उसमें हम रखेंगे 0। तो ये क्लास सी का नेटवर्क एड्रेस बन गया, उसका एग्जाम्पल बन गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड नेटवर्क एड्रेस फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस। मुझे एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, उसके ऊपर से मुझे नेटवर्क एड्रेस कैसे ढूंढना। ये नेटवर्क एड्रेस एक कॉमन एड्रेस होता है, ठीक है, और आपके अगर मेरे आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो हमारे राउटर का जो राउटिंग टेबल होता है उसमें नेटवर्क एड्रेस ही दिया जाता है, उसमें आईपी एड्रेस नहीं होता है। हमारे राउटर के राउटिंग टेबल में नेटवर्क एड्रेस होता है, मतलब सोसाइटी का एड्रेस होता है। एक बार हमारा पैकेट सोसाइटी में पहुंच गया, फिर सोसाइटी से वो आईपी एड्रेस के थ्रू और मैक एड्रेस के थ्रू हमारे उस पर्टिकुलर घर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मान लो मुझे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो उस आईपी एड्रेस से पहले मैं उसका क्लास ढूंढूंगा, और उस क्लास की मास्क जो होती है, हमने अभी पहली इसके अगली स्लाइड में देखी, उस मास्क के साथ हम बाइनरी एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आईपी एड्रेस की हम मास्क के साथ बाइनरी एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। बाइनरी एंड ऑपरेशन मुझे आई होप कि आपको पता होगा, दैट इज
0.00100010 और 111, दैट इज बाइनरी एंड ऑपरेशन. इनका जो आंसर आता है दैट इज नथिंग बट नेटवर्क एड्रेस. वो हम एग्जांपल देखेंगे. उससे पहले देखते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज नथिंग बट द लास्ट एड्रेस इन द नेटवर्क. इसे ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप डेस्टिनेशन में ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस डाल दो तो उस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उन सभी को वो पैकेट पहुंच जाएगा. नाउ इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस में अगर अगेन नेट आईडी स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन होस्ट आईडी में ऑल वन होना चाहिए. नेटवर्क एड्रेस में होस्ट आईडी में ऑल जीरो होने चाहिए, जबकि ब्रॉडकास्ट एड्रेस में होस्ट आईडी में सारे वन होने चाहिए. तो आए हर एक क्लास का एक एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस का एक एग्जाम्पल देते हैं. क्लास ए का अगर मेरा नेटवर्क एड्रेस है 73.0.0.0, तो उसका उसी नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? मैं होस्ट आईडी में सारे वन रख दू तो वो क्या होगा? 73.255.255.255. सिमिलरली फॉर क्लास बी, ये मैं फिक्स रखूंगा दैट इज 172.170, लेकिन लास्ट दो बाइट्स में मैं ऑल वन रख दू तो मुझे क्या मिलेगा? 255.255. सिमिलरली फॉर क्लास सी, ये हमारा लास्ट बाइट 255 होगा, राइट? तो वो जो पर्टिकुलर ब्लॉक होता है दैट इज सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस, उसका जो पहला एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, और उसका जो लास्ट एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस. नाउ हाउ टू फाइंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस फ्रॉम द गिवन आईपी एड्रेस? मुझे आईपी एड्रेस दिया गया है. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट इन्वर्टेड मास्क. इन्वर्टेड मास्क मतलब हमारी जो एक्चुअल मास्क है उस क्लास की, उसमें जो बिट्स है उनको जीरो को वन कर देंगे और वन को जीरो कर देंगे. मतलब अगर क्लास ए है तो क्लास ए की मास्क क्या होगी? 255.0.0.0, लेकिन उसकी इन्वर्टेड मास्क होगी 0.255.255.255, राइट? सो आई विल फाइंड आउट इन्वर्टेड मास्क एंड देन आई विल परफॉर्म बाइनरी और ऑपरेशन ऑफ इन्वर्टेड मास्क एंड आईपी एड्रेस, दैट विल गिव मी नेटवर्क एड्रेस. अगेन आई अज्यूम दैट आपको बाइनरी और ऑपरेशन पता होगा. 0+11, 0+00, 1+01 एंड 1+11, ठीक है? सो आई इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो मुझे एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 23.56.7.91. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ इट. तो पहले तो द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द क्लास. इसका क्लास क्या होगा? क्योंकि इसका फर्स्ट बाइट 0 से 127 के बीच में, इसका क्लास होगा क्लास ए. देन What is the mask of class A? The mask of class A is 255.0.0.0. Now, if we perform binary AND operation of this two, this IP address and this mask, तो क्या मिलेगा? ये मेरा IP address है, उसका binary AND operation हम मैं 255.0.0.0 के साथ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 73 and 255. इनका binary करो पहले आप और फिर उनका AND करो. अब 255 है मतलब ऑल वन, और वन का किसी के साथ अगर आप एंड ऑपरेशन करो आपको वही चीज मिलेगी, राइट? सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ये इन सबका बाइनरी आप लिखो, इसका बाइनरी लिखो एंड देन यू अप्लाई बाइनरी एंड ऑपरेशन, यू विल गेट दिस 73.0.0.0. आप जीरो का किसी के साथ एंड करो, यू विल गेट जीरो. नाउ व्हाट विल बी इन्वर्टेड मास्क ऑफ दिस? टू फाइंड आउट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यू नीड इन्वर्टेड मास्क. Now the inverted mask of this is 0.255.255.255, right? अब इस inverted mask का हम IP address के साथ और operation करेंगे. Again I am requesting कि आप इसका पूरा binary लिखो, इसका भी binary लिखो and then you apply binary or operation, you will get this. That is 73 or 0, that will be 73. 56 or 255, that is 255. 7 or 255, 255. 91 or 255 will be 255, right? So I hope ki aapko network address or broadcast address kaise dhunda jata hai from the given IP address, aapko samajh mein aa gaya hoga. The first step is from the given IP address find out the class. Second step us class ki fir mask dhundo, and then third step binary AND operation apply karo network address dhundne ke liye. और बाइनरी और ऑपरेशन अप्लाई करो ब्रॉडकास्ट एड्रेस ढूंढने के लिए. अब ये मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक किसी एक नेटवर्क का क्लास ए के, किसी क्लास ए के एक नेटवर्क का मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है. मानो वो नेटवर्क है 73.0.0.0, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट एड्रेस,
That is the network address, and the last address would be 73.255.255.255, that is broadcast address. दोस्तों हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी में काफी सारी सिस्टम्स है, उन सिस्टम को मुझे आईपी एड्रेसेस देना हो, देन आई नीड टू परचेज वन एड्रेस फ्रॉम IANA. ये जो आईपी एड्रेसेस है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरी मैनेज करती है, IANA, दैट इज इंटरनेशनल असाइन नेम एंड नंबर्स अथॉरिटी. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें हमारी जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास से आईपी एड्रेस परचेस करना होता है. वो लोकल ISP रीजनल ISP से परचेस करते हैं, रीजनल ISP नेशनल ISP से लेते हैं आईपी एड्रेस, देन नेशनल ISP इंटरनेशनल ISP से लेते हैं, और इंटरनेशनल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो IANA से आईपी एड्रेसेस परचेस करते हैं. ये हम अच्छे से क्लासलेस में समझेंगे, लेकिन आप समझो कि मैंने मेरे मेरी सिस्टम मेरे नेटवर्क के लिए ये 73 वाला क्लास एक एड्रेस परचेस किया हुआ है, तो मैं मेरी सिस्टम्स को कैसे आईपी एड्रेस दे सकता हूँ. दैट आई कैन नॉट गिव 73.0.0.0, ये मैं किसी, ये आईपी एड्रेस जो है मैं किसी सिस्टम को नहीं दे सकता. सिमिलरली ये आईपी एड्रेस भी मैं किसी सिस्टम को नहीं दे सकता, क्योंकि ये दोनों स्पेशल एड्रेसेस है, मैं किसी को नहीं दे सकता. लेकिन इसके बीच में जितने भी आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आप उनको किसी सिस्टम के आईपी एड्रेस दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये टेबल लिखा हुआ है, दैट द फर्स्ट एड्रेस वुड बी 73.0.0.1, उसके बाद कौन सा आएगा 2, देन 3, देन 4, देन 5, दैट विल गो अप टू 255. सो 73.0.0.255, देन नेक्स्ट वुड बी 73.0.1.0, देन 1.1, 1.2, 1.255, देन 2.0, 2.1, 2.2, देन 2.255, देन 3.0 टू 3.255. This will go on up to 255.255.254, right? So this is the last IP address that can be given to any system. So this is the example of a network in class A. Similarly, example of network in class B. So मान लो मेरा एक network है 180.8, right? So network address क्या होगा 180.8.0.0 और broadcast address होगा 180.8.255.255. अब इन दोनों के बीच में आप जितने भी possible combinations लगा सको, वो आपके आपकी सिस्टम को वो आप आईपी एड्रेसेस दे सकते हो. सिमिलरली इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ नेटवर्किंग क्लास सी, लेट्स से 200.11.8 ये है, तो होस्ट आईडी पोर्शन जो जो कि लास्ट बाइट है उसमें मैं जीरो रख दू, दैट विल बिकम नेटवर्क एड्रेस, और उसमें लास्ट में 255 रख दू, दैट विल बिकम ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और इन दोनों के बीच में 1 से लेकर के 254 तक जो एड्रेसेस बनते हैं वो आईपी एड्रेस आप आपकी सिस्टम को दे सकते हो. राइट दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने नेट आईडी, होस्ट आईडी पोर्शन समझा और हर एक क्लास का एक नेटवर्क का एग्जांपल देखा. आगे के वीडियो में और इसे हम डिटेल में समझेंगे. थैंक यू.